This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 16 जून 2022 और मैं निशा लेकर आई हूँ कागज नगर की शाम की ताजा तरीन खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइन से। कलेक्टर साहब ने स्कूल में 100% बच्चे लाने का आदेश दिया। डब्बा गांव में फूले दंपति के प्रतिमा का अनावरण। स्कूल में शी टीम का जागरूकता अभियान। युवाओं से उच्च शिक्षा में जाने का आग्रह करते एसपी। खुद ही रोड मरम्मत में जुटे युवा। मटन के नाम पर बेचा बीफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला केंद्र आसिफाबाद के सरकारी स्कूलों में आज कलेक्टर श्री राहुल राज जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस महीने की 30 तारीख को जिले में बड़ी बाटा कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी विद्यार्थी, उनके माता पिता और अध्यापक मिलकर स्कूल की प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में पूरे जिले के प्रत्येक स्कूल में सभी विद्यार्थियों को 100% हाजिरी के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना पड़ेगा। सभी स्कूल प्रबंधकों को ये सूचना अपने विद्यार्थियों तक पहुँचाना अनिवार्य है। कल मानिपल्ली मंडल के डब्बा गांव में समाज सुधारक और शिक्षाविद रहे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। अनावरण के बाद जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि जातिगत व्यवस्था को चुनौती देते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने सभी को शिक्षा से जोड़ने का काम किया था। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि सभी बच्चों को हमें स्कूल और कॉलेज भेजकर उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज बेहतर बनेगा। आज कागज नगर के सरकारी स्कूल में तेलंगाना पुलिस शी टीम का दौरा हुआ। इस कार्यक्रम में कागज नगर के पुलिस अफसर सुनीता जी और राजू लक्ष्मी जी पहुंची। इस कार्यक्रम में सभी बालिकाओं और स्कूल की महिला स्टाफ को बैठाकर तेलंगाना पुलिस ने शी टीम सेवा के बारे में बताया। सामाजिक रूप से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से बचने के लिए तेलंगाना पुलिस ने शी टीम का गठन किया था। इन अत्याचारों से बचने और लड़ने के बारे में शी टीम ने सभी महिलाओं को अवगत कराया। कोमरम भीम जिला एसपी श्री सुरेश कुमार जी जिले के दूर दराज इलाकों में दौरे पर जा रहे हैं। इन गांव में पहुंचकर वे गांव के युवक युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गांव में अक्सर कई विद्यार्थी स्कूल या जूनियर कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। एसपी साहब सभी युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा लेने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में सभी युवाओं को पढ़ाई के लिए पुलिस विभाग द्वारा पुलिस मी कोसम कार्यक्रम के तहत आवश्यक सहायता पहुँचाई जाएगी। सिरपुर मंडल के कई गांवों में रास्तों की हालत खराब है। रास्तों को ठीक करने के लिए स्थानीय लोग आए दिन विनती पत्र देते रहते हैं, फिर भी रास्तों की मरम्मत नहीं की जाती। ऐसे में सिद्धार्थ नामक एक ग्रामीण युवक ने किसी की सहायता के बिना स्वयं ही रास्तों की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ से प्रेरित होकर अब कई युवक इन खराब सड़कों की मरम्मत करने लग गए हैं। खराब सड़कों के कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखकर इन युवाओं ने स्वयं ही सड़कों की मरम्मत करने का काम शुरू करने का फैसला लिया था। तस्वीर चिंतल मानिपल्ली की है, जहां 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 5 तस्कर कई दिनों से पुलिस के निशाने पर थे, जिन्हें कल रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये लोग मांस का धंधा करते थे, कहते थे कि बकरे का मांस बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पक्की सूचना मिलते ही जब छापा मारा तो पता चला कि खेल कुछ और ही है। सबसे महंगा बिकने वाला मटन बेचने के नाम पर ये 5 बैल का मांस बेच रहे थे। बिना परमिशन के बीफ बेचने के जुर्म में इन्हें धर लिया गया है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों, परिजनों और ख़ास तौर पर कागज़ नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए खबरों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।